दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वो देश कौन सा है? हमारा भारत। स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में, मैं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट के 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यह कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं होगी और इसमें हम सिर्फ 2014 से 2024 अभी तक के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के बारे में बात करेंगे। किसी भी राष्ट्र में फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण काम है और 2014 से 2024 अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने इस पे सबसे खास ध्यान दिया है। तो चलिए अब हम एक एक करके बीते 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखे जाएंगे और मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जाएगा। बीते 10 सालों में देश में कई ऐसे निर्माण हुए जिसने नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू का उद्घाटन किया। अटल टनल, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। और इसमें सबसे खास बात यह है कि टनल समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, भूपेन हजारिका सेतु, दिबंग रिवर ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज, बोगीबिल रेल रोड ब्रिज, सुदर्शन सेतु, अटल सेतु, चिनाब ब्रिज, इसके साथ ही मोदी गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे, रेलवे, रोपवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इन सभी के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया। इसी वजह से देश भर में रोडवेज में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे स्टेट में ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क किया गया है। देश के आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में कोई एम्स नहीं था, वही मोदी गवर्नमेंट ने गुवाहाटी में फर्स्ट एम्स का निर्माण करवाया और साथ ही साथ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में एस्टैब्लिश किया गया। सेला टनल, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनाकर भारत ने विश्व में नई कीर्तिमान रचा। वर्ल्ड क्लास लेवल पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया गया। 500 साल पुराना राम मंदिर का निर्माण करवाकर पूरे देश को समर्पित किया गया। वहीं भगवान बिरसा मुंडा का म्यूजियम रांची में खुलवाया गया। केदारनाथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हुआ। प्रसाद स्कीम के तहत 1,626 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है भारत के कल्चरल साइट को डेवलप करने के लिए। 40 से ज़्यादा मंदिरों को दोबारा से बनवाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था। 10 वर्षों के शासनकाल में मोदी गवर्नमेंट ने करतारपुर कॉरिडोर को निर्माण करवाया, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के लिए बुद्धिस्ट सर्किट बिल्ड किया गया। भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में शामिल हुआ। 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने नया स्टार्टअप्स के लिए रजिस्टर्ड किया। 4.1 करोड़ हाउस बनवाए गए पीएम आवास योजना के तहत। 2.86 करोड़ हाउसेस को इलेक्ट्रिफाई किया गया सौभाग्य स्कीम के तहत। 10 करोड़ से भी ज़्यादा LPG कनेक्शन रिलीज किया गया। यूथ को ध्यान रखते हुए 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स खोले गए। 14,500 स्कूल को अपग्रेड किया गया पीएम श्री योजना के तहत। चंद्रयान 3 को लॉन्च करके इस सरकार ने पूरे विश्व में अपनी नई छवि बनाई। पूरे विश्व में सबसे कम दाम पे मोबाइल डाटा अवेलेबल है भारत में। इतने बड़े पैंडेमिक के बाद भी, अर्थात कोविड-19 के बाद, कई सारे कंट्रीज़ ने अपना दम तोड़ दिया था, तो वहीं भारत में ही वैक्सीन का निर्माण किया गया और आज सारे कंट्रीज़ भारत के साथ साथ चलने के लिए उत्सुक हैं। मेट्रो रेल, जो 2014 से पहले सिर्फ 5 शहरों में था, वही आज बढ़कर 20 शहरों में हो गया है। मेट्रो का लेंथ 2014 से पहले 248 किलोमीटर था, वही आज 874 किलोमीटर हो गया है। रूरल रोड कनेक्टिविटी को 99% कवर किया गया। 3.61 लाख किलोमीटर रूरल रोड बने और स्मार्ट सिटी के तहत 7,991 में से 6,750 को कंप्लीट किया गया। 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए, जिनमें 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM और 15 एम्स, जिनमें कुछ फुल ऑपरेशनल है, कुछ पार्शियली ऑपरेशनल है और कुछ निर्माणाधीन है। अब बात करते हैं कि भारत में कुल कितने एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ बीते 10 साल में। तो इस वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, तो हम कुछ एक्सप्रेसवे के बारे में ही बात करेंगे जो फुल्ली ऑपरेशनल है, जैसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे,
दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर, ट्रांस हरियाणा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड हैदराबाद, रांची रिंग रोड, चेन्नई आउटर रिंग रोड एक्सप्रेसवे, सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर, एम्स दिघा एलिवेटेड कॉरिडोर, द्वारिका एक्सप्रेसवे और कोस्टल रोड मुंबई एक्सप्रेसवे। अब बात करते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे भारत के ट्रांसपोर्ट का प्राइमरी कंपोनेंट है, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने रेलवे पर अत्यधिक ध्यान दिया और पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय रेलवे ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिससे यात्रियों का सफ़र आसान हो गया है। अमृत भारत रीडेवलपमेंट स्टेशंस के तहत 553 से अधिक स्टेशंस को रीडेवलपमेंट करने का काम किया जा रहा है। सभी बड़े शहरों में वंदे भारत का संचालन, बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के नीचे टनल बनाने का काम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मेट्रो को भी शामिल किया गया है। मोदी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वह रेलवे की नई लाइन बिछाने का काम किया गया। 2014 से पहले भारत में 1500 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे, वही अब बढ़कर 5243 किलोमीटर हो चुका है। अब बात करते हैं रोपवे के बारे में। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में कुशल परिवहन नेटवर्क का विकास एक बड़ी चुनौती है। इन एरियाज में रोडवेज एंड रेलवेज का निर्माण करना कठिन है, इसलिए रोपवे नेटवर्क आशाजनक समाधान प्रदान करता है और मोदी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान रखते हुए आगे का लक्ष्य रखा है। पूरे देश में विकसित होते इन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से 21वीं सदी के भारत के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार होगा, लोगों की आवाजाही बेहतर होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कृषि और उद्योग उत्पादों की नई मंडियों तक तेज पहुँच होगी, पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। सतत विकास, समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार होते ऐसे ही ठोस प्रयासों से तो बनी है मोदी जी की गारंटी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।